नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी में और मैं हूं परवीन। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम आपके सामने हरियाणा जीके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की 24 वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने अभी तक 1200 क्वेश्चन से रिविजन कर लिए हैं। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर जो छोटा सा आइकन निशान है वहाँ पर क्लिक करके मेरी पिछली सभी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम देख लेते हैं 1201 से लेकर 1250 तक के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1201 है, ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो ज्योतिष समाचार पत्र निकलता है रेवाड़ी से, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चौधरी बंसीलाल केंद्र में रक्षा मंत्री किस प्रधानमंत्री के अध्यक्ष काल में रक्षा मंत्री बने थे? तो ये बने थे इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था सन 1991 में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में अब तक टोटल 3 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो पहली बार लागू हुआ था 1967 ईस्वी में और तीसरी बार लागू हुआ था सन 1991 में। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 1204 है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अवसंरचना इंडेक्स बनाया, यह अवसंरचना सुविधाओं के आधार पर था, इसमें हरियाणा की स्थिति क्या है? तो इसमें हरियाणा की जो स्थिति थी वो थी चौथे स्थान की, डी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैथल जिला किस मंडल में आता है? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन तब का है जब हरियाणा में 4 मंडल थे, फिलहाल वर्तमान में हरियाणा में 6 मंडल बना दिए गए हैं तो इन्हें रीअरेंज कर दिया गया है। तो कैथल जिसके अंतर्गत आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथल जो है वो करनाल जिले के अंतर्गत आता है। तो करनाल के अंदर कैथल और पानीपत, ये दोनों जिले आते हैं। इनको आप इस मैप के द्वारा भी समझ सकते हैं, आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी को रिविजन कर लीजिए एक बार, ठीक है? तो चलिए इसके बाद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1206 है, विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से कालेश्वर महादेव मठ किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह जो है यह आता है यमुनानगर जिले के अंतर्गत, ठीक है? तो ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1207, हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को अब दी जाने वाली राशि कितनी है? तो अब फिलहाल जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 1.5 करोड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1208, रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली रचना है हर्षवर्धन की, सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमरसेन चरित्र खंड काव्य किसने लिखा है? तो अमरसेन चरित्र खंड काव्य लिखा है माणिक्य राज ने, डी हमारा राइट आंसर, ठीक है? तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है, अदकिला फूल किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो अदकिला जो फूल है यह बाल मुकुंद गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का नाम है राम प्रताप राय, ये हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? तो बड़खल जो झील है यह स्थित है फरीदाबाद के अंदर, सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार है मोहन चोपड़ा, बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है? तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1214, 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था? तो इसमें जो सहभागी देश था यह था लेबनान, सी हमारा राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों, ये सूरजकुंड का मेला मैंने घूमा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि यह जो मेला है ये हमारे हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत लगता है और यह सर्दियों के दौरान लगता है, यानी कि फरवरी या मार्च के महीने में लगता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 1215, प्रदेश का थानेश्वर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? तो थानेश्वर था हर्षवर्धन की प्रसिद्ध राजधानी। इसके बाद है, हरियाणा में कितनी विकसित गौशालाएं हैं? तो हरियाणा के अंदर हैं 157 विकसित गौशालाएं, ठीक है? तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1217, वर्ष 1966-67 में राज्य में बिजली की दैनिक उपलब्धता कितनी यूनिट थी? तो उस समय हरियाणा में दैनिक उपलब्धता जो यूनिट थी बिजली की वो थी 17.27 लाख।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? तो नवीनतम जनगणना के अनुसार हरियाणा की जो जनसंख्या थी वो थी 253,531। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो वर्ष 1966 में हरियाणा की जनसंख्या थी वह थी 1,29,00,000 रुपये। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1220, हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर, डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1221, किस जिले की साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो साक्षरता के मामले में हरियाणा का गुड़गांव जिला सबसे आगे है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे कम साक्षरता प्रतिशत किस जिले की है? तो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो यह है फतेहाबाद जिला। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1223, हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ पर खुला था? तो हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान खुला था मीरपुर रेवाड़ी के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से दो शहर स्मार्ट सिटी की टॉप 100 लिस्ट में चुने गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, करनाल व फरीदाबाद। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1225, हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने में देश का दूसरा राज्य बन गया है। पंचायत चुनाव के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए पहले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि पहले स्थान पर कौन सा है? तो पहले स्थान पर जो राज्य था वो था राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले इसे लागू किया था, उसके बाद अब हरियाणा भी इसे लागू कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1226, हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला था? तो हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था रोहतक के अंदर, सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन काल में कितने शिक्षा संस्थाएं हैं? तो हर्षवर्धन काल में शिक्षण संस्थाएं हैं 5,000। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1228, हरियाणा समुदाय की परियोजना किसकी सहायता से संचालित की जा रही है? तो यह संचालित की जा रही है यूरोपीय संघ की सहायता से, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद है, मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को किस नाम से वर्णित किया गया है? तो मध्ययुगीन लेखों में हरियाणा को हरितानक नाम से वर्णित किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्ति की है, किस चीज़ की प्राप्ति की है? तो हरियाणा ने 100% सबसे पहले प्राप्त की थी बिजली पहुँचने को, ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1231, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक हमारे हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर है, डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा कब बना था? तो हरियाणा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया था 1833 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश के पांचवें मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए दोस्तों, अगर हम पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, और यहाँ पर पांचवा पूछ लिया गया है, तो पांचवे जो मुख्यमंत्री थे वो थे देवीलाल, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भजन लाल किस वर्ष केंद्र में कृषि मंत्री बने थे? तो भजन लाल बने थे 1986 के अंदर केंद्र में कृषि मंत्री। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1235, हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 ईस्वी हुई थी। इसके बाद है 1236, हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय में देश के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो प्रति व्यक्ति आय में देश के अंदर हरियाणा का स्थान है दूसरा, बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 1238, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का जो सबसे बड़ा जिला पहले था वो था भिवानी था, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी अलग से जिला बना दिया गया है, तो अब वर्तमान में क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा हो गया है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस पवित्र सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पुंडरिक सरोवर का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1240, रोहतक के स्थल बोहर मठ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो रोहतक के स्थल बोहर मठ का निर्माण
आठवीं सदी में हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, एक तो ये इसका निर्माण किस सदी में हुआ था, आठवीं सदी आ गया, और दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि अस्थल बोहर मठ कहाँ पर स्थित है हरियाणा की, तो ये हरियाणा की रोहतक में है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस जिले से गिरफ्तार किया गया था, तो गांधी जी को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया गया था, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, तो हरियाणा की यमुनानगर तहसील में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 1243, खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस चीज़ से संबंधित है, तो विकास यादव संबंधित हैं बॉक्सिंग से, सी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है, तो मोरनी पहाड़ी का जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो कहलाता है करोह चोटी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा मुख्यमंत्री कौन था, तो हरियाणा का जो दूसरा मुख्यमंत्री था वो था राव वीरेंद्र सिंह, और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्रीमती भगवत दयाल शर्मा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कादंबरी किसकी रचना है, तो कादंबरी जो रचना है यह है बाण भट्ट की, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 1247, हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1967 के अंदर लागू किया गया था। हरियाणा में अब तक तीन बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, पहला 1967 को, और जो तीसरा है वो सन 1991 को लागू हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्वांग करने का क्या अर्थ होता है, तो स्वांग करने का जो अर्थ होता है वो होता है रूप भरना, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 1249, सांग साहित्य का स्वर्णकाल कौन सा समय माना जाता है, तो सांग साहित्य का जो स्वर्णकाल था वो माना जाता है सन 1930 से 37 का काल। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा इतिहास की पहली फिल्म कौन सी है, तो हरियाणवी सिनेमा इतिहास की जो पहली फिल्म थी वो थी धरती, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि हरियाणा की सबसे पहली प्रसिद्ध फिल्म कौन सी थी, तो हम नाम ले सकते थे, हरियाणा की जो सबसे पहली प्रसिद्ध फिल्म थी वो थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, ठीक है, और यहाँ पर पहली फिल्म का नाम लिया गया है तो धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप हमारी ऐसी वीडियो आगे भी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो जल्दी ही मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।